जो गाड़ी डिलक्स गाड़ी है गाइस, इसमें कार्बोरेटर में ओवरफ्लो करता है, इसके कारण यहाँ पे एक पैकिंग देख के प्लोटिन को लाएंगे, जिसके कारण ये ओवरफ्लो नहीं होगा। इस तरह से आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे, जिसके बाद यहाँ पे प्लोटिन इस तरह से लगा के ऐसे फिट किया जाता है, यहाँ पे रख के ऐसे इसको बैठा के यहाँ पे फिट किया जाता है। और इसके बाद इसका जो पिन है यहाँ का, इसको लगाना पड़ता है इस तरह से एकदम। और उसके बाद हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि ओवर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए आपको यहाँ पर टंकी का जो पाइप है इसमें आपको यहाँ लगाना होगा, चेक करने के लिए भी इसको तेल को ऑन करना पड़ेगा। जिससे यहाँ पर अगर मान ली तेल गिरेगा, उठेगा तो तेल गिरेगा, अगर उठेगा तो नहीं गिरेगा, नीचे होगा तो तेल गिरने लगेगा। इसका मतलब ये सही से काम कर रहा है, मतलब ठीक है, बंद करो। ये देख सकते हैं कार्बोरेटर पर फिटिंग हो चुका है, इसको यहाँ पे अभी लगा के पूरा चेक करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, कार्बोरेटर पर फिट हो चुका है, तेल ऑन कर दिए, तेल अभी नहीं गिर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे तेल नहीं गिर रहा है। इसके बाद यहाँ नीचे का ओवरफ्लो पाइप लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ का जो फिल्टर खुला हुआ है, इधर देखो फिल्टर जो खुला है, फिल्टर लगा रहे हैं, उसको प्लग लगा गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं उसको। देख सकते गाइस, टाइमिंग भी एकदम सही है, आपको पूरा फोकस करके दिखाते हैं। देखिए गाड़ी में जो है टाइमिंग भी एकदम सही है, फिर भी गाड़ी मिसिंग कर रहा था, किसके कारण मिस कर रहा था ये देखिए। पिकअप कोन में जो है कि यहाँ पे जंग लगा हुआ है, देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ थोड़ा खींच देंगे, उसके बाद फिटिंग करेंगे, फिर देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं है। ठीक है, हमको लगता है तो हो जाना चाहिए एकदम। ठीक है भाई।